कैसे हो आप सब। आज मैंने ना आज दिन की वीडियो एक अपलोड करी थी ना, उसमें मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि आज मेरी जो फाइनल है मेरे घर की मेकओवर की जो वीडियो है वो आपके पास जरूर आएगी। इसका कारण ये है कि अब देखो आप ही बोलोगे वरना बोलोगे, इतना छोटा सा घर है और 3-4 दिन हो गए इसी घर में लगे हुए हो। और मेरे को भी लग रहा है अभियान का 3 जुलाई को बर्थडे, आज 1 तारीख है, तो अपना काम निपटा के फटाफट कल फिर अपना कुछ कपड़े वपड़े निकालेंगे, तैयारियाँ करेंगे ना अभियान के जन्मदिन की अच्छे से। उसका पहला जन्मदिन है ना, वो 1 साल का होएगा, और कहते हैं ना पहला जन्मदिन तो स्पेशल होता है, हर बच्चे की याद होती है। वो जो बड़ा हो जाता है वो फिर देखता है कि मम्मी और ने मेरे परिवार वालों ने मेरा पहले साल का जन्मदिन कैसे मनाया था। क्योंकि हम भी है ना 3 भाई बहन है, तो मेरा जो बड़ा भाई है ना उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया था जब वो छोटा था ना, तो उसकी इतनी सारी फोटोज आज तक रखी हैं, तो हम बहुत अच्छे से, हमें खुशी होती थी उसका जन्मदिन देख के। पर हमारे फोटोज नहीं है, मेरी या मेरे भाई की छोटे वाले की फोटोज नहीं है, कोई एल्बम नहीं है, तो हमारा जन्मदिन कुछ ऐसे मनाया नहीं गया था। तो हम देखते हैं तो हमें लगता है कि काश हमारा बर्थडे भी ऐसे ही मनाया जाता जैसे मेरे बड़े भाई का मनाया गया था, तो हम भी अपनी फोटोज दिखाते सबको। तो यही चीज होती है ना, फिर हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम फिर फोटोज ही देखते हैं ना कि देखो हम ऐसे दिखते थे, छोटे थे, ऐसे थे। तो जी आपने पता ही है मैं ये अलमारी लाई थी, और ये 3000 रुपये की लेकर आई हूँ अलमारी। मैं आपको रेट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कॉमेंट्स में ना कहीं मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब कितने की लाए हो आप। तो ये 3000 रुपये की अलमारी है, लकड़ी की है पर भारी लकड़ी की है, हैवी अलमारी थी। तो इसमें ना मैं ऊपर वाला जो कानस है, कानस हमारे हरियाणा में बोलते हैं इसको, सेल्फ को ना कानस बोल देते हैं हिंदी में, तो जो ऊपर वाला जो है ना सेल्फ है, इसके अंदर मैं अपने सारे सूट लगा रही हूँ पहनने के। और मेरे को आपको यकीन नहीं होगा, मैं ना आपसे बात करने के लिए इस टाइम मैं कार में बैठी हूँ गर्मी में, दरवाजे बंद हैं, दरवाजे खोल इसलिए नहीं रही हूँ, अगर मैं दरवाज़ा खोल लूँगी तो बाहर का शोर ट्रैफिक की आवाज़ आपको आएगी। और मैं आई हुई थी मेरे भाई के साथ कार में क्योंकि उसको ना विहान के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने थे, और क्या गिफ्ट है क्या है वो तो अभी तक शॉपिंग चली रही है, काफ़ी देर हो गई, आधे घंटे से तो हम ही बैठे हुए थे सारे पापा जी मैं विहान, अभी तो शॉपिंग हो रही थी। तो बात ये है ना कि मैंने आज आपको प्रोमिस कर चुकी थी, मैंने आपको कहा था कि ना मेरी आज फाइनल जो वीडियो है मतलब मेरे घर की मेकओवर की, वो आज फाइनल आपके पास आ जाएगी। तो फिर मैं फिर झूठी साबित हो जाती ना अगर आज मेरी वीडियो नहीं जाती, तो मैं बस अभी 10 मिनट के लिए आई हूँ आपसे बात करने के लिए, फिर मैं उसके बाद मतलब शॉपिंग में चीज़ें तो सिलेक्ट कर ही ली थी तब मैं आई हूँ अभी नीचे आपसे बात करने के लिए। उसके बाद फिर अपना मुझे भी आज कुछ चीज़ें खरीदनी है, ख़रीदारी, तो अभी मैं मार्केट में ही बैठी हूँ आप सबसे बात कर रही हूँ जब, और काफ़ी पापा जी के साथ हो सकता है शाम तक घर जाऊँ मैं। तो जी अभी ये देख लीजिए, अब चलो प्रेजेंट में जाते हैं। तो फिर ये ना कल शाम की बात थी जो ये मैं आपके सामने ये कर रही हूँ ना अलमारी में कपड़े लगा रही हूँ, तो कल शाम को ये सारा काम मैं करके आई थी, तो मैंने ना वीडियो रख रखी थी अपने पास बट इसकी एडिटिंग नहीं कर रखी थी क्योंकि आपको पता है ना जब बच्चे का जन्मदिन, घर शिफ्टिंग, इस चक्कर में ना सारा सामान भी इधर उधर हुआ पड़ा है और बस काम में ही लगे हुए हैं। तो रात को ना कल पता है क्या हुआ था, मतलब कल रात की बात कर रही हूँ, मतलब आज रात की बात, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, ये सारा काम निपटाने के बाद मैं रात को गई थी और आधा घंटा पार्क में भी घूम के आई थी। और आप कन्फ्यूज मत हो ना प्लीज़ प्लीज़, मैंने मुझे लग रहा है मैंने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। चलिए मैं आपको समझाती हूँ, देखिए ये जो वीडियो है ये 1 जुलाई की है, मतलब कल की है, कल शाम को मैं ये सारा काम कर रही थी, ठीक है, घर का मेकओवर कर रही थी। और अभी मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ना वो है, आज तारीख है, नहीं नहीं फिर से गलत कर दिया मैंने, हे भगवान मैं कहाँ जाऊँगी, नहीं नहीं सॉरी, कल 30 जुलाई की ये वीडियो है, ठीक है, कल 30 जुलाई का शाम का टाइम था और मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज है 1 जुलाई, हाँ 1 जुलाई है, दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम है और 2:30 बज रहे हैं और मैं कार में बैठी हुई हूँ, मैं आई थी 1:30 बजे मार्केट में और 2:30 बज चुके हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा है मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ, प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होना, मत अब तो नहीं होना कन्फ्यूज़ आप, मतलब। और परसों मेरे बाबू का जन्मदिन है, ठीक है, आज 1 तारीख है, कल 2 है और परसों 3 तारीख है, ठीक है जी। तो चलिए हम अब प्रेजेंट में आते हैं, तो ये सारा काम ना मैं कल कर रही थी, ठीक है, शाम को। तो जी मैंने क्या क्या काम किया था, एक्चुअली क्या है ना कंफ्यूजन तो मेरी लाइफ में हो रखी है, कभी कुछ काम में लगे रहते हैं, कभी कुछ, भागा दौड़ी में ज़िंदगी चल रही है, पता नहीं कब नॉर्मल होएगी एकदम। तो यहाँ मैं ना बच्चे के कपड़े लगा रही थी, मतलब जितने भी बच्चे के कपड़े थे ना विहान बाबू के, मैंने एक खाना विहान के कपड़ों के लिए भी रख दिया, मतलब सही है, सारा सामान आ गया, मतलब सब मुझे कह रहे थे कि ना इस अलमारी में आपका सामान नहीं आएगा, और आप सही कह रहे थे, इस अलमारी में मेरा सामान आना ही नहीं था अगर मैं ये डबल बेड ना खरीदती तो अब ये डबल बेड
बेड भी मैंने ले लिया है, तो चलो सारा सामान आ रहा है ठीक बढ़िया। तो मम्मी भी खुश थे। तो देख लीजिए, मैंने ना अलमारी तो बंद कर दी थी, उसके बाद थोड़ी सी हवा खा रही थी, बालकनी में 5-10 मिनट खड़ी हुई थी, और ये स्टूल ना वहीं से मैं अपने पुराने वाले घर से लेकर आई थी, क्योंकि ना जैसे खड़े होना होता है सामान वगैरह की शिफ्टिंग का। और ये सर्फ का पैकेट भी पापा जी ने मेरे को दे दिया था, बोलते घर पर रखा हुआ है तो खरीदियो मत, मतलब जैसे थोड़ी बहुत चीज़ें तो ऐसे है ना, मम्मी और भी हेल्प कर देते हैं। जैसे मेरे को एक दो चीज़ें और भी दे दी थी पापा जी ने, हाँ जैसे बर्तन धोने का जो सर्फ होता है ना वो भी दे दिया था, बोलते कि ना यहीं से अपने ले जाया करियो। और यहाँ पे फोल्डिंग निकाले थे मैंने, मैंने कहा एक बार यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि अब ना थोड़ा सा मेरे को आपको फाइनल लुक दिखानी है इस घर की कैसी बनती है। और आपने मुझे जो जो सजेशन दिए कल कमेंट्स पढ़ रही थी मैं रात को, आप भी जानते हो मैं कमेंट्स के कुछ दिनों से रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, उसका कारण यही है कि मैं शिफ्टिंग में इतनी थकी हारी हो जाती हूँ ना बिल्कुल। बस थोड़ा टाइम रुकिए, फिर मैं लाइव भी आके आपसे बात किया करूँगी, ठीक है जी। तो बात ये थी कि मैंने कमेंट पढ़ा था, तो कमेंट में कह रखा था कि ना जरूरी नहीं होता, भगवान तो भगवान होते हैं, कि पूरा आपको बड़ा महंगा मंदिर खरीदना है। अगर आप दो छोटी मूर्तियां या एक वो जो पोस्टर होता है ना वो भी अपने दीवार पे लगा दोगे ना, तो वो भी आपके लिए मंदिर ही होता है। तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, मुझे यही लगा कि ना आप सही कह रहे हो, मतलब लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से, मेरे को ना वो वाले अच्छी लगती हैं जो भगवान की वो वाली मूर्तियां नहीं होती जो सफ़ेद रंग की शाइन मारने वाली होती हैं, आप समझ के होंगे ना, एक अलग पत्थर की आती हैं, तो वो वाली देख लेंगे। और यहाँ पे पापा जी ने भी मेरी हेल्प करवा रहे थे, देखिए पापा जी ने मेज धो दी थी, इस पर वो नहीं छींटे पड़ गई थी पेंट की, तो इसको जोड़ के यहाँ लगाने लग रहे थे। तो मेरी तो बहुत हेल्प कर देते हैं पापा जी भी, जैसे मैं काम कर रही थी तो बोलते चलो मैं भी कर देता हूँ, मतलब मैंने तो झाड़ू लगा दिया था बाद में जैसे काम हो गया था ना सारा फिनिश, उसके बाद पापा जी बोलते कि चल मैं ना पानी गिर देता हूँ थोड़ा सा, मतलब ज़मीन पर, तो इसको मैं बंद कर रही थी। इसमें देखिए अभी भी कितना है, ये एक खाना ही भरा है मेरा, सिर्फ दूसरा खाना भी खाली है। और ये जो मेरी किताबें, आपको पता है किताबें तो मैं और भी खरीदूंगी, और मेरे को कभी भी कोई गिफ्ट देना हो ना आपको, जिंदगी में भी कभी दूर से भी दूर, चाहे 10 साल बाद भी, तो मुझे कोई सुंदर सी प्यारी सी बुक दे देना, ठीक है ना, कभी मेरे को ऐसी और चीज़ों का किसी का शौक नहीं है। तो जी यहाँ पे ना मैं बुक्स रख रही थी अपनी, और यहाँ पे लगा रही थी, और भी काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे, जैसे छोटी मोटी छुटपुट से, जैसे मेरे सेट हैं सारे के सारे जो मैं पहनती थी ना पहले कानों में गले में, तो ये ना संभाल के मैं बाहर ही रख रही हूँ, क्योंकि कई बार मैं पहन भी लेती हूँ ना, कभी ड्रेस की लुक दिखानी हो आपको, या मेरी मम्मी भी पहन लेते हैं। और आपको मेरी मम्मी का डांस के बारे में आप मेरे को कमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, तो देखो मैं कभी नहीं कहती कि मेरी मम्मी को कि मम्मी डांस कीजिए, मम्मी अपनी खुशी से बोलते हैं कि चलिए मैं डांस कर लेती हूँ, मतलब खुद से कहते हैं, अब उनकी लाइफ है। मैं ये चीज़ मैं एक बार तो बल्कि कह भी दिया एक दिन तो मम्मी को, मम्मी आप मत डांस किया करो, क्या है आप रहने दो, तो फिर मम्मी को फिर बुरा लगता है, मम्मी फील करती है, मम्मी कहती है फिर ठीक है फिर मेरी तू वीडियो ही मत बनाया कर, अगर तू अपनी चलानी होती है तेरे को, तो फिर मैं क्या करूँ मम्मी की, अब मैं मम्मी से ये थोड़ी कह सकती हूँ, आप समझिए ना इस चीज़ को, मतलब आप भी और आप भी प्लीज़ मम्मी को भी कुछ ना किया कहा कीजिए, अगर उनको खुशी मिलती है तो लेट हर बी हैप्पी, उन्हें खुश रहने दीजिए ना। मैंने कहा था मम्मी को, मैंने कहा मम्मी रहने दो सारे, फिर आपको बोलते हैं आप डांस करते हो तो मम्मी फिर ऐसे बोल रहे थे, बोलते कि ठीक है फिर तू रहने ही दे, तू ना हमेशा अपनी चलाती है, तू मेरी बात नहीं मान रही। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी मैं आपकी बात मान रही हूँ। तो मम्मी को ना जैसे गाने का, नाचने का, भजन गाने का इनका शौक है, मम्मी को बहुत शौक है भजन लिखने का, मम्मी किताबें बनाया करती थी पहले इन चीज़ों का, तो ठीक है ना जी, तो कोई बात नहीं, अब उनका शौक है, मैं और भी उनको कहती रहती हूँ ना, आप समझ जाइए प्लीज़, ठीक है ना जी। तो ऐसा मतलब आप उल्टा सीधा मत बोला कीजिए मम्मी को इस तरीके से, अच्छा नहीं लगता। तो जी यहाँ पे मैं डेकोरेशन के लिए लाई थी ना फूल वूल, ये भी मैं दरवाजे पे लगा दूंगी, पर थोड़ा सा टाइम दीजिए, पहले हम ना बाकी काम कर लेते हैं, जैसे और निपट जाएंगे ना काम, उसके बाद दूसरा भी हम चीज़ें देख लेंगे। और ये छुटपुट चीज़ें थी, 2-4 चीज़ें मैंने ना यहीं मेज पर लगा दी थी, तो ये अब आपके सामने मेरी ना फाइनल घर की लुक आने वाली है। अब आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि कैसी लग रही है। तो देखिए पूरा इस साइड का हिस्सा खाली हो गया था, तो जैसे पूरा घर मैंने सेट कर दिया था ना, तो उसके बाद मैं बस एक झाड़ू लगा रही थी, और आप सोचोगे बेड पे बेडशीट कैसी बिछा दी, तो वैसे ही बिछाई थी ताकि आपको एक लुक मिल जाए। अभी तो गद्दा भी नहीं लेकर आई हूँ, पापा जी को कहा था पापा जी गद्दा खरीदना है, तो वो 2500 रुपये का बोल रहे थे नया गद्दा, और ना मेरे पापा जी के जो दोस्त है ना वो 300 रुपये में बना देते हैं, बस रुई देनी होती
होती है उनको खरीद के, और वो कपड़ा तो घर से ही हो जाता है, तो हम ना सिलवाई लेंगे। गद्दा बहुत महंगा पड़ता है, कम से कम 2000 रुपये बचेंगे अगर हम स्टिच करवा लें ना। और वो बहुत अच्छा सील देते हैं, मतलब 250-300 रुपये में तो गद्दा, मतलब पापा जी के दोस्त हैं, मुझे नहीं पता क्या रेट चल रहा है मार्केट में, पर वो बहुत बढ़िया सील के दे देते हैं, तो वहीं से सिलवा लेंगे। और ये मेरी सिलाई मशीन भी, आपने काफ़ी टाइम हो गया ना, सिलाई मशीन कह रही हूँ, सॉरी, ये वेइंग मशीन वजन तोलने का, तो मेरा ना कल मैंने देखा था, मेरा वजन ना 69.9 पे आ रहा था। मतलब जब 70.2 पे आता है तो मैं दुखी हो जाती हूँ, जब 69.9 पे आ जाता है ना तब मैं खुश हो जाती हूँ, मुझे लगता है मैंने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। बताओ, 6 की लाइन में अच्छा लगता है जब मेरा वजन आ जाता है। और यहाँ पे पापा जी बोल रहे थे कि थोड़ा सा एक बार पानी से ना ये जो निशान है ना ये भी साफ़ हो जाएंगे, ये और कर लेते हैं, तो मैं यहाँ से ना मशीन उठा के ऊपर रख दी थी, वरना ये ख़राब हो जाती ना। और आपको सच बता रही हूँ, कार में पसीना पसीना हो चुकी हूँ मैं, मेरे ना हालत ऐसी हो रखी है, कोई ऐसा सोचेगा पता नहीं ये क्या जिम जाके आई है या एक्सरसाइज करके, आपसे बात कर रही हूँ कार में बैठ के इस टाइम। तो जी कुछ भी लगा लीजिए, थोड़ी डिसिप्लिन है मेरे अंदर थोड़ा सा लाइफ में, कि अगर मेरे मैं कमिटमेंट करती हूँ तो उसको पूरा करना चाहती हूँ मैं। तो ये मेरे घर की लुक है, आप देख लीजिए आपको कैसी लगती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। तो जी मेरे पीछे देख लीजिए हमारा घर, हमने कर दिया है, पोचा भी लगा दिया, जो सफ़ेदी के नीचे निशान हो रखे थे वो भी साफ़ हो गए हैं पूरे। और अभी हमने इस पर कोई गद्दा वद्दा नहीं डाला है बेड पे, बस वैसे एक आपको लुक दिखाने के लिए कैसा लगेगा वो कर दिया है। अभी गद्दा घर से ले आऊँगी मैं, तकिए ले आऊँगी। और ये देखिए फर्श देख लीजिए, दिख रहे हैं आपको, इसके अलावा यहाँ भी सफाई कर दी है, और यहाँ पे अंदर से कुछ ऐसे दिख रहा है, देखिए मेज है, सामान है इसमें आ गया, ऊपर थोड़ा डेकोरेशन के लिए गुड्डे वगैरह रख दिए हैं। और अभी आपको किचन आपको मैं दिखा देती हूँ, अभी सेट कुछ भी नहीं है, ये देख लीजिए, अभी कुछ बर्तन वर्तन उस दिन किया था ना, ये देख लीजिए आपको मैं दिखाई देती हूँ। तो आज जैसे बर्तन पानी वानी के हुए हैं तो सामान लेकर आऊँगी ना, ये देखिए यहाँ का, उस दिन तो जचा दिया था, बाकी तो थोड़ा सा है, वैसे तो वैसे ठीक ही है, खाली ही पड़ी है सारी, अभी करूँगी मैं सामान लेके आई हूँ। यू डब्बे नहीं लाई थी मैं, भूल गया आप, लाई नहीं थी कल 6 डब्बे लाई थी, चकला बेलन सामान कितना सारा लाई थी, वो सारा सामान यहाँ लगा दूंगी, अभी सेटअप करना है दोबारा से थोड़ा सा। इसके अलावा आप लुक देख लीजिए, और ये जगह जो है ना यहाँ पे भी हमें चीज़ें भरनी है थोड़ी सी, 2 कुर्सियाँ ला के रखेंगे यहाँ पे, अच्छी लगेगी ना घर में, सामने कोई आए तो बैठ जाए, है ना। और यहाँ हमारी ये बालकनी, ये पर्दे टांग दिए थे, तो यहाँ से देख लीजिए कुछ इस तरीके का नज़ारा है। तो जी इसको ना, इसको अभी जो इस टाइम आपको दिख रहा है इसे फाइनल तो बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि जब तक घर में मंदिर नहीं आ जाता तब तक उस लुक को फाइनल तो हम नहीं कह सकते हैं। तो अभी मंदिर का अरेंजमेंट करूँगी मैं, कल जाती हूँ, आई थिंक कल जाऊँगी, तो मंदिर सेटअप करना है हमें और कुर्सियाँ। और यहाँ पे एक बात और बोलनी थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तीसरी मंजिल का है, तो ऐसा नहीं है कि ना बिना कूलर के पार नहीं पड़नी, तो कूलर एक घर में रखा हुआ है एक्स्ट्रा, तीसरा कूलर है जो जिसकी मोटर ख़राब हो रखी है, तो पापा जी से कह रहे थे एक बार दिखा लेते हैं, देखते हैं या तो वही ठीक करवा लेंगे या कोई छोटा ले आएंगे कूलर, काम चलाऊ टाइप जो भी मिलता है मार्केट में, जितना का देख लेंगे कितने तक का मिलता है ले आएंगे, वरना ठीक करवाने पे भी फिर उतने ही पैसे लगते हैं, फिर बार बार, क्योंकि 2-3 बार ख़राब हो चुका है वो कूलर, तो उस पर पैसे बहुत ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो पापा जी कह रहे हैं इससे बढ़िया एक ले ही लेते हैं, तो और ये तो ज़रूरत की चीज़ है, बाद में भी लंबे टाइम काम आएगी। और विहान बाबू बिना कूलर के गर्मी में तो नहीं रह सकता ना, इतनी ऊंचाई का देखो ऊपर का मंजिल है, तो एक कूलर, तो ये शॉपिंग हमारी रहती है। इसके अलावा पूरा राशन लाना है महीने का, आप और मैं मिलके शॉपिंग करेंगे, घर के लिए राशन भी लाएंगे, उसके बाद ये सब हो जाएगा ना, क्योंकि आज 30 हो गई, पापा जी कह रहे हैं आज 30 हो गई है, तो ये वीडियो मेरे कल आएगा ना, कल आएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा काम निपटा दिया, तो फिर हम जाके अपना 2 दिन में फटाफट और चीज़ें निपटा के, और क्योंकि वहाँ पर अलग घर भी अब करना है ना शुरू, वहाँ का भी तो सेटअप करना है, अभी वहाँ तो सामान डाला है उसको भी जचाना है, सारा काम हम मिलके करेंगे। और इसके अलावा क्या कह रही थी मैं, क्या कह रही थी, हाँ विहान का बर्थडे है ना, यहाँ पे भी सेलिब्रेट करेंगे इस घर में। और आपको अगर ये घर अच्छा लग रहा हो, अब पहले जब याद है ना जब आए थे तब कैसा था, हमने कितना काम किया इस घर में, पेंट तक करवाया, आप देखिए दीवारें देखिए इस घर की क्या थी, और अब देख लीजिए ये देखिए सारी पापा जी ने मेहनत करके 2 घंटे लग के आज दिन में पेंट करा, ये देखिए अब देखिए पेंट करके दीवारें,
लग रही है ना, कुछ रहने लायक लग रहा है, वरना पहले कैसा था। देखो मेहनत करने से और हिम्मत से करा है काम, ऐसे नहीं है कि ये सोचा हो कि नहीं हो जाएगा, वरना एक बार तो मेरे मन में आई थी कि रहने ही दूँ, घर की हालत देखी इतनी ख़राब थी, पर मन में आया नहीं अपनी मेहनत से इसे सुधारेंगे। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर पर्दे भी लगाए हैं, उसके अलावा ये अलमारी और ये मिला के 10,000 का खर्चा तो बैठा है, बेड आए 7,000 के, 3,000 की अलमारी आई है, और इतनी की तो मैं बता रही हूँ, हो सकता है 100-200 रुपये कम भी करवाए हो हमने, ऐसी बात नहीं है, पर वो बता नहीं सकते ना, मतलब ज़्यादा नहीं है ना कम करवाए, बाकी मार्जिन क्योंकि वो आने जाने में भी लग गया काफ़ी, है ना, वो चढ़ाई करवाने में हर चीज़ के पैसे लगते हैं, लेके आने में यहाँ कहीं 250 रुपये दिए, कहीं 500 रुपये दिए, मतलब ऐसे लगे हैं पैसे, तो करीबन लग गए होंगे 11,000 रुपये लग गए होंगे, और इसमें लग गए हैं 11,000 रुपये, और कल 750 रुपये का कल सामान लाई थी, जो भी लाई थी रसोई का, तो करीबन मोटा मोटा लगाऊँ ना 12,000 रुपये खर्च चुकी हूँ। तो कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, लेकिन खुशी है इस चीज़ की कि हाँ अगर आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, सपोर्ट दिया, तो उसकी वजह से आज मैं कुछ अपने बच्चे के लिए कुछ कर पा रही हूँ, है ना जी। तो थैंक यू, आपने मेरे को इतना ज़्यादा प्यार दिया और सपोर्ट दिया मुझे, और ऐसे ही देते रहिएगा, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा अच्छा करती रहूँगी, उसे अच्छी एजुकेशन भी दे दूँगी और अच्छे स्कूलों में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं लॉक लगा के यहाँ से हम निकल रहे हैं, तो एक दो दिन में यहाँ से रहना भी शुरू कर देंगे यहाँ, ठीक है ना जी। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए बाय बाय, मैं विहान बाबू के पास जा रही हूँ, काफ़ी देर हो गई यहाँ काम पर लगे हुए, ठीक है, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।